हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल RJ20। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे आई कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपका पी सी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने पी सी को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद साइड में आपको 9 डॉट्स दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इन पर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको YouTube पर क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं YouTube यहाँ पर है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये YouTube ओपन हो चुका है। फिर उसके बाद आप साइन इन कर लीजिए। अगर आपने साइन इन कर लिया है तो आपको अपने चैनल का लोगो यहाँ पर दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन दिखेगा, YouTube स्टूडियो बीटा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइड पैनल पर दिखेगा क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, ये आप देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, कैंसिल और स्किप। तो आपको स्किप पर क्लिक करना है। स्किप पर क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल की यहाँ पर सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। आपने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस डाली होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो जिस भी वीडियो में आपको आई कार्ड डालना है, आप उस वीडियो पर को सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर उस वीडियो के नीचे एक ऑप्शन होगा एडिट का, ये आप देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा लोड होएगा फिर, और फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आई कार्ड, ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट नंबर का, आपको इस पर क्रिएट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जिस भी वीडियो को आई कार्ड में डालना चाहते हैं, आप उसको उस वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट कार्ड पर क्लिक कर लीजिए। तो उसके बाद उस वीडियो में जो भी आपने वीडियो सेलेक्ट करी होगी उसकी लिंक आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।